मॉर्निंग मनु। अच्छा एक सेकंड ना बिमल जी, ये इस हफ्ते का मेन्यू कार्ड है, सबने अपनी पसंद लिखी है। और हाँ, दादाजी के खाने में ना कम नमक डाल देना, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि उन्हें कम नमक खाना चाहिए। दिखाना ये मेन्यू है या राम भरोसे होटल का कुछ लिस्ट? ट्यूसडे को आलू पराठा, वेंसडे को खिचड़ी। क्या है ये? मतलब अगर मुझे सेम डे पे दो चीजें खानी हो इनमें से, तो मैं क्या करूंगी? या फिर कुछ ऐसा खाना हो जो इस पूरे मेन्यू में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? भूखी रहूं? क्या है ये भी? ऐसे थोड़ा ना होता। छोड़िए विमल जी, इसमें मैंने जो जो लिखा है ना, प्लीज वही बनाइए। ओके और हाँ, अभी ब्रेकफास्ट लेके टेबल पर रख दीजिए। और तू नीचे उतर, कोई आ जाएगा तो। क्या है? टूट थोड़ी ना जाएगा ये, बैठी तू। देख हद हो गई सच में यार, मतलब जेल में भी इससे ज्यादा आजादी मिलती होगी। मनु, ये घर ऐसे ही चलते और सब ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है ना, प्लीज इस सब में मत पड़। यहाँ के कायदे कानून अगर तुझे पसंद भी नहीं है ना, तो प्लीज चुप रहे मेरी खातिर मनु, प्लीज। दी, आपकी खातिर मैं जिंदगी भर अपने मुंह पे टेप लगा के बैठ सकती हूँ, आपको भी पता। वैसे एक बात बताओ दी, इस घर में बोलने के और चुप रहने के भी दिन होते हैं क्या? सॉरी। अच्छा सुन, अब ये सब छोड़, तो अपने कमरे में जा, मैं किचन संभाल के आती हूँ। इस वक्त किचन में क्यों? तो क्या हुआ? अरे मेरी प्यारी सी बहन, अभी थोड़ी देर बाद जीजू ऑफिस चले जाएंगे, फिर आप उन्हें मिस करोगे, तो इससे बेटर है जाके थोड़ा सैया वैया कर लो। बहन किस दिन कम आई, मैं हूँ ना किचन संभालने के लिए। चल पागल है क्या मम्मी, तू यहाँ पे मेहमान है, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी। पहले मैं मेहमान नवाजी कैसे? देखो आप रूम में जाओ, आप जीजू को कंपनी दो, मैं महाराज को कंपनी देती हूँ। मैं भी थोड़ा सीख लूंगी ना कुछ बाबा। वीजी खुश हो जाएगी, ऋषिकेश में जाके उन्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी, क्या कहते हैं? अच्छा देखो बहुत हो गया नाटक, अभी सजी सवरी दुल्हन की तरह मत खड़ी रहो, जाओ भागो यहाँ से। भागो भागो मा, मनु चुप चुप चुप, ये लड़की बिना कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा सुनो, इसकी थोड़ी मदद कर देना प्लीज। जी ओके। आप महाराज है? नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? काम। अच्छा, आज की महाराज मैं हूँ। हाँ कल्टी। हमारे इस आलिशान घर को वो लड़की जेल से बदतर बोल रही थी और कह रही थी कि ये घर होटल जैसा है। अटल नॉनसेंस।